गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो हमने पिछली वीडियो में कुछ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात की थी। आज हम आगे फर्दर जो हमारी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज हैं, जो हमारे अकाउंटिंग को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आज हम वही अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो जिसमें हमारी फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म आएगी वो आएगी परचेज। परचेजेस आप लोगों ने सुना होगा, क्या होती है परचेजेस? परचेजेस का क्या मतलब होता है? वो गुड्स जो एक एंटरप्राइज, हमारा एक बिजनेसमैन जो है वो परचेज करता है, ठीक है, आइदर रीसेलिंग पर्पस के लिए या उस गुड्स को प्रोडक्शन करके आगे फर्दर सेल करने के लिए। तो ऐसे जो हम गुड्स परचेज कर गुड्स खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? परचेजेस बोलते हैं। देखिए क्या कह रहा वो परचेजिंग, इट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स ऑब्टेन्ड बाय एंटरप्राइज for resale or for use in production of goods or rendering of services. इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस तो आप लोगों को समझ में आया क्या कहता वो? इट रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स ऑब्टेन्ड बाय एंटरप्राइज आइदर फॉर रीसेलिंग पर्पस और यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब क्या हम परचेज जो है वो क्रेडिट पे कर सकते हैं? यस, वी कैन डू परचेज आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश आइदर इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट। इट शुड डिपेंड अपॉन यू नो अ बिजनेस डीलिंग विद दैट पार्टी, लाइक वी आर paying the proper amount to that person on timely, either he is you know giving us the credit opportunities to us or not. So it's totally depend upon that the person dealing with that person from whom we are going to be purchase that goods. So purchases either we can do in the cash or we can do in the form of credit. Totally depend upon the personal dealing. अब जो हम next term के ऊपर बात करने लगे हैं वो हम बात करने लगे हैं sales. परचेज हो गया, अब हमने परचेज सीख लिया, अब इसके बाद सेकेंड जो हम अकाउंटिंग टर्म सीखने लगे हैं वो है सेल। सेल क्या होगी? सेल मतलब वो गुड्स जो हमने परचेज किए आइदर फॉर द सेलिंग पर्पस के लिए। सो इट रेफर्स टू द अमाउंट, इट रेफर्स टू द अमाउंट for which the goods are sold or services rendered clear ab again same question aata hamare paas Can I do the cash sales or the credit sales? So again that question comes in your mind. Either we can do the cash sales or credit sales. Yes, the answer is yes. We can do cash sales and the credit sales as well. It's again totally depend upon your dealing with that customer. Like your customer is paying that amount on timely or not. So it's totally depend upon your business dealing, your
पर्सनल डीलिंग विद दैट कस्टमर टू हूम यू आर गोइंग टू बी यू नो से वो सोल्ड दैट प्रोडक्ट ऑन द क्रेडिट बेसिस. सो वी हैव ऑलरेडी लर्न द टू बेसिक टर्म्स अबाउट विच इज परचेजेस एंड सेल. एंड द नेक्स्ट टर्म विच वी आर गोइंग टू बी डिस्कस इज परचेज रिटर्न. So for understanding this concept, we are going to be make one table, comparatively table, so we can easily learn basic difference between the purchase return and the sales return. Purchase return and sales return. We have already, you know, understand about the purchase and the retail sales, okay? And now we are going to be learn about the purchase return and the sales return. Purchase मतलब हमने कुछ सामान purchase किया. Purchase return क्या होगा? जो सामान हमने purchase किया वो हमने वापिस कर दिया. क्यों वापिस किया होगा? Either उसमें कुछ damage निकली होगी, ठीक है, कोई defect भी हो सकता है, working proper नहीं होगी, expiry होगी, कुछ भी decisions जो है वो कुछ भी रीजंस हो सकते हैं. अब परचेज रिटर्न कौन करता है? माना बिजनेस मैन परचेज रिटर्न करेगा, ठीक है. सेल्स रिटर्न कौन करेगा? हमारा कस्टमर जिसको हमने गुड्स जो है वो सेल किया. अब हमारा कस्टमर जो है वो हमें गुड्स वापस क्यों करेगा? सेम रीजन विल बी द सेम डैमेज रहेगा, डिफेक्ट हो सकते हैं कुछ भी, और एक्सपायरी भी हो सकता है. सो परचेज रिटर्न कौन करता है? हमारा बिजनेसमैन. और सेल्स रिटर्न कौन करता है? हमारा कस्टमर, ओके. सो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का. होप आप लोगों को जो ये टर्म्स क्लियर हो गई हो जो आज हमने डिस्कस किया. तो कोई क्वेरी रहती है आप मेरे से पूछ सकते हो. तो अगर वीडियो आप पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. और सब्सक्राइब करने से क्या होगा? मेरी आने वाली फ्यूचर वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों का पहुंच जाएगा. और आप लोग क्या होगा, आने वाली जो है नई नई वीडियोस, नए नए कंसेप्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. थैंक यू सो मच.